मनीष मोबाइल, सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCM मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। सागर जिले में आगामी 1 अगस्त से पेपरलेस बिलिंग की शुरुआत होने जा रही है। अब बिजली बिल ना पहुँच कर मैसेज से ही बिल मिल सकेगा। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पेपरलेस बिलिंग प्रणाली की शुरुआत की जा रही है, जिसमें प्रिंटेड बिल की जगह अब मोबाइल पर बिल का मैसेज आएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है। सागर के बरारू विद्युत वितरण केंद्र के जूनियर इंजीनियर AP सिंह के मुताबिक कंपनी के निर्देश अनुसार उपभोक्ताओं को प्रिंटेड बिल की जगह पर मैसेज के माध्यम से डिजिटल बिल भेजे जाएंगे। मीटर रीडिंग होते ही बिजली बिल जारी हो जाएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर पहुंचेगा। इसमें भेजे जाने वाली लिंक क्लिक करते ही बिल दिखने लगेगा। ऑनलाइन के माध्यम से भी इसका भुगतान कर सकते हैं। पेपरलेस होने से समय पर उपभोक्ता तक बिल पहुंचेगा। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो किसी कर्मचारी या केंद्र में आकर संपर्क कर सकता है। जूनियर इंजीनियर AP सिंह ने एक डेमो करके भी इस बात की जानकारी दी कि लोग कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। मैं अपने विद्युत उपभोक्ताओं को एक MBB की सुविधा के बारे में और अवगत कराना चाहता हूँ। MPEZ चैटबोट, यह एक व्हाट्सएप सुविधा है जिसका नंबर है 9425807257, जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आप हाई लिखकर मैसेज कीजिए तो MPB की तरफ से आपको एक सुविधा मिलेगी, एक मैसेज आएगा इस प्रकार से। उसमें पूछा जाता है कि बिजली बिल प्राप्त करने के लिए 1 लिखें, शिकायत दर्ज कराने के लिए 2 लिखें, इसी प्रकार से अन्य विकल्प भी हैं। तो यदि आप अपना बिजली बिल प्राप्त करना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो इसमें आप कमेंट में 1 लिखिए और सेंड कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका नया IBS हेतु N लिखें, तो आप N लिख करके उसे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको MPB की तरफ से एक लिंक दी जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके अपना PDF में बिल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपका जो भी IBRS है आप उसे डाल सकते हैं। ये आप IBS डालेंगे अपना, यहाँ पर IBS डालने के बाद पेमेंट गेटवे बिल डेस्क सेलेक्ट कर लीजिए आप। उसके बाद आप चेक करके क्लिक टू प्रोसीड करिए। ये बिल आपका सामने आ चुका है, जिसको आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ये सुविधा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र के तहत 20 से ज्यादा जिलों में शुरू की जा रही है। कुछ समय बाद ही ये सभी जगह पर शुरू हो जाएगी। देखिए, पेपरलेस बिलिंग जो है, हमारे अभी मुझे जानकारी है कि हमारे पूर्व क्षेत्र जो कंपनी है वहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। पूर्व क्षेत्र कंपनी के अंतर्गत ये अपने दमोह हो गया, सागर है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी आसपास में जाते हैं, जैसे जबलपुर संभाग के कुछ जिले हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, इस तरह से हमारा 20-21 जिलों का एक जोन कहलाता है, या उसको कुछ भी कह सकते, संभाग कह सकते हैं, या आप हमारा एरिया जो MPB जो कंपनी है इसमें कई जोन में डिवाइड है। तो पूर्व क्षेत्र कंपनी के अंतर्गत जितने जो 20-21 जिले हैं वहाँ पर भी जो जानकारी मुझे वहाँ लागू किया जा रहा है, और सागर जिले में ये अगस्त माह से लागू हो रहा है। सर, कैसे क्या बिलिंग इसमें रहेगा, मोबाइल पर कैसी सुविधा लोगों को मिलेगी? इसमें अभी तक क्या होता था हमारा जुलाई तक कि बिलिंग जो होती थी उसके बाद में जो बिल होते थे, तो मीटर वाचक के द्वारा या हमारे लाइन स्टाफ के द्वारा भौतिक रूप से हार्ड कॉपी में पेपर बिल जो होता है उसके माध्यम से डोर टू डोर कंज्यूमर के पास पहुँचाया जाता था। इसमें क्या होता था कि उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिल पाता था प्रॉपर, कभी कभी मीटर रीडर नहीं देने गया, तो उसके लिए हमारे जो बिजली विभाग ने एक सुविधा शुरू की है पेपरलेस बिलिंग। उसमें क्या रहेगा कि अगस्त माह से आपका जो मोबाइल नंबर आपने जो रजिस्टर्ड कर रखा है हमारे विद्युत कार्यालय में, उस पर आपको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ये बिल का मैसेज प्राप्त होगा, और रीडिंग का जो प्रक्रिया जिस प्रकार से पहले से चली आ रही है उस हिसाब से रीडिंग की प्रक्रिया शुरू रहेगी, यथावत रहेगी। सर, क्या लगता है कि पहले जिस तरह से बिलिंग होती थी, लोगों को बिल मिलते थे, अब ये जो प्रक्रिया जैसे चेंज हो रही है, तो आप क्या मानते हैं सर इस दिशा में? देखिए, ये जो प्रक्रिया है ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि भारत में इस समय समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी शायद ही कुछ घर ऐसे होंगे जहाँ मोबाइल ना हो। आज के समय में अधिकांश 80% जनरेशन के पास में स्मार्टफोन आ गए हैं, और 10-20% हैं जिनके पास में कीपैड वाले मोबाइल होंगे। तो ये सिर्फ टेक्स्ट मैसेज है जो कि किसी मोबाइल पर आसानी से प्राप्त हो सकता है, और घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा रहता है जो मैसेज पढ़ सकता है आराम से। तो मैसेज के थ्रू ये है कि उपभोक्ताओं की शिकायत रहती थी कि सर हमें बिल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, हमें बिल नहीं मिल रहे हैं, तो मैसेज के माध्यम से वो स्वयं अपना मतलब मैसेज देख करके बिल भरने में सक्षम है, कर सकते हैं प्रयास बिल भरने का कि हमें मैसेज मिल गया है, बिल का बहाना नहीं ले सकते। सर, इसमें एक कोई निश्चित डेट आपने रखी हुई है कि अलग अलग कोई ऐसी डेट है कि उस तारीख में मैसेज पहुंचेगा? नहीं, अभी तक जो हमारी ड्यू डेट रहती है, जैसे बिलिंग हमारी कंप्लीट हो गई 10 तारीख तक और उसके बाद में मैसेज पहुंचेंगे, तो उसकी ड्यू डेट रहती है, जैसे अभी तक 23 तारीख महीने की या 20-21 तारीख के आसपास रहती है ड्यू डेट, तो ड्यू डेट तो लगभग वही रहेगी,
आपको सिर्फ मैसेज के माध्यम से यह सूचना पहुंचाई जाएगी कि आपकी इतनी खपत का इतना बिल बनता है, और उसमें ड्यू डेट का भी मैसेज रहेगा कि आपकी ये ड्यू डेट है, इसके पहले आप भुगतान कर दीजिए कार्यालय जाकर के। अभी जैसे जिन लोगों के, मैं उपभोक्ताओं से अपील करता हूँ कि कोशिश करें इस मुहिम को सफल बनाएं, और जिन लोगों के यदि भूल बस या त्रुटि बस मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पाए हैं, तो वो अपना 1912 पे टोल फ्री नंबर है उस पर संपर्क करके अपना नंबर अपडेट करा सकते हैं, या हमारा जो कार्यालय है पटकू बाजार ऑफिस MPB का, जो भी संबंधित उनका कार्यालय है वहाँ जाके भी संपर्क कर सकते हैं, तो जिससे नंबर रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे उनको मैसेज प्राप्त होगा अगर मैं हूँ। सर एक सवाल और है, जो गरीब परिवार हैं जिनके पास किसी वजह से मोबाइल नहीं होगा, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी रहेगी? देखिए, जिनके पास मोबाइल नहीं है तो हमारा एक पोर्टल है, MPB का वेबसाइट पोर्टल है, तो आप उस पर जाकर के भी बिल प्राप्त कर सकते हैं किसी ऑनलाइन दुकान पर। उसके बाद भी यदि आपको समस्या आती है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप हमारे कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं, तो वो आपको ऑफिस से एक बिल की प्रति दे देंगे। उसके उपरांत यदि वहां से भी नहीं मिल पा रहा है, तो विद्युत कार्यालय संपर्क कर लीजिए, यहाँ से हम बिल निकाल के उनको दे देंगे हार्ड कॉपी में, कोई इश्यू नहीं है। मनीष मोबाइल, सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध, बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स होलसेल रेट पर, मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCM मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है, नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839, 8770069788।